दोस्तों मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। राजस्थान के जालौर में एक दलित स्टूडेंट ने हेडमास्टर के मटके से पानी पीने की कोशिश की तो उसे हेडमास्टर ने इतनी बुरी तरह पीटा कि वो मासूम मर गया। लेकिन गोदी मीडिया ने इस मामले में भी बेशर्मी की इंतहा कर दी है। बकायदा अब बच्चे की मौत पर भी अपने तरह के ऐसे ऐसे एंगल्स ढूंढे जा रहे हैं जिससे साबित किया जा सके कि बच्चे की मौत जातिवादी मानसिकता से हुई ही नहीं। देखिए, बड़े बड़े अखबार से लेकर चैनल वाले अब दूरबीन लेकर उस पानी की मटकी को ढूंढ रहे हैं जिसे छूने की सजा 8 साल के इंद्र कुमार मेघवाल नाम के बच्चे को जान देकर चुकानी पड़ी। मीडिया द्वारा यह स्थापित करने की कोशिश हो रही है कि मटकी तो थी ही नहीं। बकायदा बड़े बड़े सो कॉल्ड अंग्रेजी वेबसाइट स्कूल की टंकी की फोटो छाप रहे हैं ये दिखाने के लिए कि देखिए साहब, इस स्कूल में कभी मटका मुटकी रही ही नहीं, यहाँ तो एक टंकी से टीचर और स्टूडेंट सब पानी पीते हैं। ढूंढ ढूंढ कर बच्चों के इंटरव्यूज छापे जा रहे हैं कि स्कूल में अलग अलग मटके तो कभी थे ही नहीं, मास्टर जी ने तो 2 स्टूडेंट्स के झगड़ों में मारपीट की थी जिसमें इंद्र कुमार को थोड़ी ज्यादा चोट लग गई और बेचारा बच्चा मर गया। अरे भाई, 25 दिन पुराना मामला है, क्या मीडिया के लिए मटकी अब तक वहां सजा के रखी गई होगी? ये भी हो सकता है कि कुछ दिनों में मीडिया ये भी प्रूफ करने में कोई कसर ना छोड़े कि इंद्र कुमार नाम का बच्चा तो इस स्कूल में पढ़ता ही नहीं था। दोस्तों, इससे घिनौना चेहरा इन मीडिया वालों का और आप क्या देखेंगे। पुलिस मामले में जांच कर रही है। टीचर खुद कबूल चुका है कि उसने मारपीट की, लेकिन इन मीडिया वालों को लगता है कि गले में कुछ अटक गया कि निगला ही नहीं जा रहा। ये मीडिया वाले जो आज स्कूल में मटका ढूंढो अभियान चला रहे हैं, तब कहां थे जब 25 दिन से परिवार बुरी तरह से घायल अपने 8 साल के बच्चे को राजस्थान से लेकर गुजरात तक अस्पतालों के चक्कर काट रहा था। सरकार या प्रशासन तो छोड़िए, 8 साल के बच्चे की कान की नस फाड़ देने वाला हेडमास्टर तक परिवार को रत्ती भर मदद करने के लिए आगे नहीं आया। आज जब बच्चे ने दम तोड़ दिया तो यह साबित करने की कोशिश हो रही कि मामला जातिगत भेदभाव का है ही नहीं। दोस्तों, हो सकता है कि हो भी ना, लेकिन मीडिया को यह अधिकार किसने दिया कि पुलिसिया जांच से पहले ही वो लोगों के दिमाग में कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी रचे। असली बॉयकॉट तो दोस्तों कभी जाति तो कभी धर्म के नाम पर खबरों के साथ छेड़छाड़ करने वाली ऐसी मीडिया का होना चाहिए। इसीलिए मैं आपसे हर बार कहती हूँ, आप हमारी फ्री जर्नलिज्म को, आजाद पत्रकारिता को प्रमोट कीजिए, क्योंकि हम किसी एजेंडा के तहत आपके सामने कोई सवाल नहीं रखते। आपके सामने हर वो सवाल हम रखते हैं जो चाहे आपको कितना भी असहज करे, लेकिन आपके लिए जानना और समझना जरूरी है।